अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल 10 मिनट में बन जाने वाले डिज़र्ट की रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम पाइनएप्पल डिज़र्ट बनाएंगे, जिसके लिए ना ही आपको कुकिंग करनी पड़ेगी, ना ही बेकिंग करनी पड़ेगी और बिल्कुल झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पाइनएप्पल डेजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन केक लिया है। प्लेन केक की रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और प्लेन केक आप बाजार से भी लेकर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी प्लेन केक आप ले लें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 हाफ रोल पैक लिए हैं मैरी बिस्किट्स के, और यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल चंक्स लिए हैं 1 कप। साथ ही इसका पाइनएप्पल का जूस भी है जो कि कैन के अंदर होता है, मैं कैन वाला पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ। और हमें एक ज़िपलॉक बैग चाहिए। अब हम पाइनएप्पल चंक्स को एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे। अब हम ज़िपलॉक बैग में सारे मैरी बिस्किट्स ऐड कर लेंगे, इसे बंद कर लेंगे और एक रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसे क्रश कर लेंगे। इस तरह से हमें इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, जस्ट इसे क्रश करना है। बिस्किट्स को हमने क्रश कर लिया, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखें, बिस्किट्स को हमने क्रश कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब हम केक को स्क्रैम्बल कर लेंगे। तो केक से पहले मैं बटर पेपर उतार लूँगी और उसके बाद हम इस तरह से इसको स्क्रैम्बल कर लेंगे। केक को स्क्रैम्बल करने के बाद अब हम एक बॉल में 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। अब हम इसे बीट करना स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छे तरीके से व्हिप कर लेंगे। तो क्रीम को हमें स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप करना है, क्रीम को हमें ओवर व्हिप नहीं करना वरना क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई हो जाएगी। क्रीम को हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है, अब हम इसे पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे ताकि ग्लास में हम इसे इजीली ऐड कर सकें। अगर आपके पास पाइपिंग बैग्स नहीं है तो आप इसे स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्रीम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से व्हिप हुई है। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम पाइपिंग बैग को आगे से कट कर लेंगे और इसे साइड पर कर लेंगे। अब हम डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिज़र्ट ग्लास लिया है, सबसे पहले हम इसमें क्रश्ड मैरी बिस्किट्स की लेयर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें व्हिप्ड क्रीम की लेयर ऐड करेंगे और अब हम इस पर केक की लेयर ऐड करेंगे। केक की लेयर ऐड कर दी, अब हम इसे पाइनएप्पल जूस के साथ सोक करेंगे। अब हम इस पर पाइनएप्पल चंक्स ऐड करेंगे और लास्ट पर हम दोबारा से इस पर क्रीम की लेयर ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे आइसिंग नाइफ या फिर स्क्रैपर की हेल्प से प्लेन कर लेंगे इस तरह से। अब हम बिल्कुल इसके एजेस पर इस तरह से बिस्किट्स की लेयर ऐड कर देंगे और अब इसके सेंटर में हम पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार पाइनएप्पल डिज़र्ट रेडी है। इसी तरह से हम बाकी के भी ग्लास रेडी करेंगे। इसे अब हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाने वाला पाइनएप्पल डिज़र्ट रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।